वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके आए हूँ जो आपकी आने वाली नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों अगर आप अभी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको विनंती रहेगी हमारे चैनल में दूसरे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आप एक बार विजिट कीजिए जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तो लेट्स फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बोल के बाद में उसके ऑप्शन बोलूँगा और बाद में उसका आंसर सोचने का आपको थोड़ा टाइम दूँगा। उसके बाद आप इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन है उसमें से आपके 45 क्वेश्चन सही होते तो आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो उसमें, या 40 क्वेश्चन होते तो भी सही जा रहे हो, तो उससे कम आपके क्वेश्चन सही होते काम मार्क्स आते तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों तो आप ईमानदारी से अपना टेस्ट दो, अगर आपको पता हो तो आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। आप एक बार कमेंट करेंगे तो वो भूलेंगे नहीं, आपको जो आंसर नहीं पता है ना उसका एक बार आप कमेंट करेंगे नहीं भूलेंगे। दोस्तों तो लेट्स फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कौन से राज्य में है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी तमिलनाडु। सोचिए इसका आंसर, इसमें से कौन सा आंसर सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एशियन गेम्स 2018 में राही सरनोबत ने कौन से खेल में गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन ए 10 मीटर ईयर पिस्टल, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी 25 मीटर पिस्टल। सोचिए इसका आंसर, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 25 मीटर पिस्टल में। एशियन गेम 2008 में राही सरनोबत ने एशियन 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए भीलवाड़ा, बी गंगटोक, सी नेहरू नगर, डी देहरादून। सोचिए इसका आंसर, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी सिक्किम। सोचिए इसका आंसर, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कोलकाता, बी न्यू दिल्ली, सी तिरुवनंतपुरम, डी अहमदाबाद। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के कौन से राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? भारत के कौन से राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम महिला सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? प्रथम महिला सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ए शमसुद्दीन इल्तुतमिश, बी रुकन उद्दीन फिरोज, सी नसरुद्दीन महमूद, डी गियासुद्दीन बलबान। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए, बहुत सी एग्जाम में आ गया है क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए शमसुद्दीन इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री रज़िया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली आसाम के किस जिले में है? ए बोंगईगांव, बी डिब्रूगढ़, सी हेलाकांडी, डी गी। हेलाकांडी और डी पातालपुरी। बोंगईगांव, डिब्रूगढ़, हेलाकांडी, डी पातालपुरी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है ऑप्शन डी पातालपुरी। माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है वह पातालपुरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हीटर के तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? हीटर के तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? ए ब्रोमीन, बी सोडियम, डी सी निकल, डी नाइक्रोम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी नाइक्रोम। हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य न्यायमूर्ति, डी राज्यपाल। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है राज्यपाल। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कौन से शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? कौन से शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी शेरशाह सूरी, डी सिकंदर लोदी। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बैसाखी त्यौहार कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? बैसाखी त्यौहार कौन से धर्म के लोग धामधूम से मनाते हैं? उत्सव है, बहुत ही बड़ा उत्सव है ये, इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए। ए हिंदू, बी सिख, सी ईसाई, डी पारसी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी सिख। सिख लोगों का बैसाखी त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जंगल मत्स्य सुरसेन सीवी भारत के कौन से राज्य के महाजनपद थे? जंगल मत्स्य सुरसेन सीवी भारत के कौन से राज्य के महाजनपद थे? ए बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। सोचिए इसका आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्राचीन भारत का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी राजस्थान। जांगल मत्स्य सुरसेन सीवी ये जनपद प्रमुख जनपद थे राजस्थान के, महाजनपद थे राजस्थान प्रमुख महाजनपद थे ये जांगल मत्स्य सुरसेन सीवी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जांगल और सुरसेन महाजनपदों की राजधानियां कौन सी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पाटलिपुत्र और मगध, बी काशी और मत्स्य, सी वाराणसी और विराटनगर, डी अहिछत्रपुर और मथुरा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी अहिछत्रपुर और मथुरा। जांगल और सुरसेन महाजनपदों की राजधानियां अहिछत्रपुर और मथुरा थी। दोस्तों सभी महाजनपदों की राजधानी हमें पता होनी चाहिए, 16 महाजनपद थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अनगुतार निकाय बौद्ध धर्म के अनुसार भारत में कितने महाजन विद्यमान थे? प्राचीन भारत में कितने विद्यमान थे महाजनपद थे? ए 16, बी 18, सी 20, डी 25। दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें से ऐसे भी बन सकता है, महाजनपद कौन से धर्म के अनुसार भारत में महाजनपद विद्यमान थे? तो बौद्ध धर्म के अनगुतार निकाय
बौद्ध धर्म के अनुसार महाजन भक्त थे। और बौद्ध धर्म के कौन से धर्म विभाग में, अंगुतार निकाय के अनुसार भारत में महाजन भक्त थे, ये भी हमको नॉलेज होना चाहिए। अंगुतार निकाय ये जो नाम है वो याद रखने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 16 महाजनपद थे, भारत में 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यूनानी शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, स्कंदगुप्त, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राजा अमात्य जनपद दुर्ग कोष सेना मित्र राज्य के यह 7 अंग किसके अनुसार है? सेना मित्र, राजा अमात्य जनपद दुर्ग कोष सेना मित्र राज्य के यह 7 अंक किसके अनुसार है? ए कौटिल्य, बी हेमचंद्र आचार्य, सी कालिदास, डी वेदव्यास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इस राज्य के 7 अंग के नाम भी हमको पता होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कौटिल्य। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग है, राजा अमात्य जनपद दुर्ग कोष सेना मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ईस्वी सन पूर्व कौन से शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? ए पुष्यमित्र शुंग, बी अग्निमित्र शुंग, सी वसुज्येष्ठ और डी वसुमित्र। दोस्तों इसमें से एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी, तो ईस्वी सन पूर्व 187 साल। दोस्तों कुछ क्वेश्चन में आंसर 185 भी दिया गया, 187 भी, 150 या 187 कोई भी आए आंसर वही होगा, 185 भी आ सकता है, 187 185 या 187। दोस्तों ये ध्यान रखना, कहीं पे 187 दिखाई देगा, कहीं पे 185 दिखाई देगा, इसलिए 187 आता है ईस्वी सन पूर्व शुंग वंश की स्थापना हुई थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने ईस्वी पूर्व 187 साल में शुंग वंश की स्थापना की थी। दोस्तों पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र आया था, और अग्निमित्र के बाद वसुज्येष्ठ आया था, और वसुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र आया था, ये चारों के क्रम है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक के अश्वमेघ यज्ञ में पुरोहित का कार्य पतंजलि ने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पुष्यमित्र शुंग, बी अग्निमित्र शुंग, सी वसुज्येष्ठ, डी वसुमित्र। कौन सा ऑप्शन सही हो सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेघ यज्ञ में पुरोहित का कार्य पतंजलि ने किया था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता, कौन से शासक शुंग शासक ने अश्वमेघ यज्ञ किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। और उसमें कौन से शासक के कार्यकाल में उनके पुरोहित पतंजलि थे? तो पुष्यमित्र शुंग का नाम याद रखना दोस्तों। और पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में कौन से पुरोहित थे, कौन पुरोहित थे? तो पतंजलि। ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गुप्त साम्राज्य की स्थापना कौन से राजा ने की थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त मौर्य, सी स्कंदगुप्त, डी श्रीगुप्त। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सोचिए इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पंडित रविशंकर, बी रामानुजाचार्य, सी पंडित रामप्रसाद, डी नाजिर हुसैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है पंडित रविशंकर। माय म्यूजिक माय लाइफ पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली के सुल्तान कौन थे?
वह तुलतिका सुल्तान कौन था जिन्होंने भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए प्रतिष्ठित कार्य किया था? नहरों का बांधकाम किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, रज़िया सुल्तान, फिरोज़ शाह तुगलक के नाज़िर हुसैन, कौन से सुल्तान ने की थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिरोज़ शाह तुगलक ने की थी, नेहरू का बांधकाम करवाया था, सबसे बड़ा नेटवर्क करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के अनुच्छेद 1 में हमारे देश को क्या कहा गया है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, ए परिसंघ, महासंघ, राज्यों का संघ, अखंड भारत। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में हमारे देश को राज्यों का संघ कहा गया है। इसमें से ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, हमारे देश को राज्य का संघ कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ए कन्हैयालाल मुंशी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव आम्बेडकर, डी सर्वपल्ली राधाकृष्ण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी? तो कौन सी साल और कब हुई थी? तो ए 26 दिसंबर 1948, बी 9 दिसंबर 1946, सी 25 दिसंबर 1947, डी 12 दिसंबर 1946। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के तंत्र को स्वीकार किया गया है? ए भारत शासन अधिनियम 1905, ईस्ट इंडिया कमीशन 1905, भारत शासन अधिनियम 1942, भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आंसर आपको पता ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? ये जो भारत का संविधान है तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के ढांचे के से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, ए हेमा मालिनी, बी नरगिस दत्त, सी मधुबाला, डी रेखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, 26 अगस्त 1975, 29 अगस्त 1962, 1962 ऑप्शन सी, 1 जनवरी 1995, डी 20 जुलाई 1951। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 20 जुलाई 1951। 20 जुलाई 1951 में हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 1938 में किस व्यक्ति ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है? श्वास लेना और श्वास छोड़ना की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन, श्वासोच्छ्वास, निःश्वसन के प्रश्वास। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है श्वासोच्छ्वास, श्वास लेना और श्वास निकालना छोड़ना, उसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है? ए पेप्सिन, बी काइमोट्रिप्सिन, सी टाइलिन, डी ट्रिप्सिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, आपको पता होना चाहिए।
क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी टाइलिन, मनुष्य की लार में टाइलिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किस कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कैसे नियंत्रित रहती है, ए सोमेटोस्टोनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, इंसुलिन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है इंसुलिन के कारण, इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। तो जब डायबिटीज होता है तो रक्त में ग्लूकोज शरीर में बढ़ जाता है, या आप बोलते हैं शुगर, तो इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं तो शुगर कंट्रोल हो जाता है दोस्तों, तो इंसुलिन के कारण ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रमाण पाया जाता है, ए 78%, बी 0.03%, सी 21%, डी 99%, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी 0.03% वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पे चार ऑप्शन किए गए, ए लेमार्क तथा ट्रिविरेंसन ने, बी वॉन मॉल ने, सी पुरकिंस ने, डी अरस्तु ने, सोचिए इसका आंसर, इसमें से कौन सा ऑप्शन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए लेमार्क तथा ट्रिविरेंसन ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, दुनिया के कौन से देश में यूफ्रेटस तथा व टिग्रिस नदियां बहती है, ए इराक ईरान, बी इराक, कुवैत, तुर्किस्तान, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी इराक, इराक में यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियां बहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पता ही होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्यूराइल द्वीप कौन से दो देशों के मध्य में स्थित है, ये विवाद सालों से चलता रहा है ये द्वीप का, ए उत्तर कोरिया, उत्तर वियतनाम, बी साइप्रस और टर्की, सी चीन और जापान, डी रूस और जापान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको पता ही होना चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है रूस और जापान, रूस और जापान के बीच क्यूराइल द्वीप है, द्वीप समूह है, इसका विवाद बहुत टाइमों से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, कौन से महासागर को वेनिशिंग ओशन छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए आर्कटिक महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर तो वेनिशिंग ओशन छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, दुनिया की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल विधि द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी तट के सहारे, न्यूजीलैंड के पूर्वी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, बर्मुडा के पश्चिमी तट के सहारे, सोचिए इसका आंसर। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। दुनिया की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल विधि द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट के सहारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर नॉर्थ सी को कौन सी नहर मिलाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए काराकुम नहर, बी स्वेज नहर, सी पनामा नहर, डी कील नहर, सोचिए इसका आंसर कौन सा ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कील नहर, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर नॉर्थ सी को कील नहर मिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल मिस्टी ज्वालामुखी कौन से देश में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए चीन, बी जापान, सी रसिया, डी पेरू। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी पेरू, इल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, पिरेनीज माउंटेन किन दो देशों के बीच है, ए फ्रांस और स्पेन, बी इंग्लैंड और आयरलैंड, सी रसिया और जापान, डी भारत और चीन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है फ्रांस और स्पेन, पिरेनीज पर्वत माउंटेन फ्रांस और स्पेन के बीच, दो देशों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था,
1878, 1895, 1853, 1858 कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सही उत्तर है 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कौन सी साल हुआ था? 1878, 1895, 1950 क्या 1858? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 1950 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ट्रेन के इंजन का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए जॉर्ज स्टीफेंसन, जॉर्ज ओरेवल, जेम्स वाट, जेम्स हॉकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन ने ट्रेन के इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1950, 1853, 1905, 1853। सोचिए इसका आंसर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। पूरी दुनिया में मतलब विश्व में रेलवे कब चली थी, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? 1950, 1853, 1825, 1853। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 1825 में विश्व में प्रथम रेल चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48 भारत में विद्युत से चलने वाली प्रथम ट्रेन कौन सी थी? ए शताब्दी एक्सप्रेस, बी डेक्कन क्वीन, सी विवेक एक्सप्रेस, डी हावड़ा एक्सप्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी डेक्कन क्वीन। भारत में विद्युत से चलने वाली प्रथम ट्रेन डेक्कन क्वीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49 भारत में रेल का सर्वप्रथम शुभारंभ किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डेलाउजी, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन सा ऑप्शन सही होता है? बहुत ही एग्जाम में एक क्वेश्चन अक्सर आता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है लॉर्ड डेलहौजी। भारत में रेल का सर्वप्रथम शुभारंभ डेलहौजी और भारत में तार टपाल का भी सर्वप्रथम आरंभ डेलहौजी ने भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1935, 1925, 1945, 1950। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 1925 में भारत में सर्वप्रथम विद्युत रेल चली थी। और दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा ना लगा हो तो हम बेहद आपसे माफ़ी चाहते हैं। आप कृपया अनलाइक करके नीचे कमेंट में फीडबैक दीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में वो हमारी गलती दोबारा रिपीट ना करें। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों आपका दिन शुभ रहे।